Hello everyone, my name is Sandeep Singh and today's topic is Export in GST. क्या अगर आप भी एक्सपोर्ट के प्रोसीजर से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि GST काउंसिल ने अब एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को क्लियर कर दिया है. जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है. इसके बारे में हम बात करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश रहेगी. आज की ये वीडियो बेसिकली आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सजेशन दिया था कि आपको एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाई है. सो इसी तरीके से कनेक्ट रहें. और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए. इसमें आपको इनकम टैक्स, अकाउंटिंग और GST से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी. सो स्टे कनेक्टेड. चलिए शुरू करते हैं. एक्सपोर्ट थ्रू टू वेज. GST में दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. विद पेमेंट ऑफ IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप पे कर दीजिए और एक्सपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर आप IGST पे नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते आपके एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़े, आप IGST नहीं पे करना चाहते, तो आपके पास दो तरीके हैं. अकॉर्डिंग टू रूल 96A, या तो आप बॉन्ड दे दीजिए या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दीजिए फॉर्म RFD 11 में विदाउट पेमेंट ऑफ IGST. बट यहाँ पर आपकी पास ऑप्शन नहीं है बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने का. अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी के एक्सपोर्टर हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप बॉन्ड दें या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दें. बट अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते फिर आपको सिर्फ बॉन्ड ही देना पड़ेगा. और बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड के साथ बैंक गारंटी भी होगी नहीं होगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो एक्सपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप IGST पे कर दीजिए या फिर आपको एक बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LOU कहते हैं, वो GST फॉर्म RFD 11 आपने फाइल करना पड़ेगा. और उसी के एनेक्शन में इनका फॉर्मेट भी दे रखा है जिसके हम आगे देखेंगे. हु इज एलिजिबल टू गिव लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो लोग दे सकते हैं जो स्टेटस होल्डर है. अब इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से लेकर 2020 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पैराग्राफ 5 में स्पेसिफाइड करा गया है कि स्टेटस होल्डर कौन है. स्टेटस होल्डर वो बिजनेस लीडर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करते हैं ग्रो करने में. सो उन लोगों को स्टेटस दिया जाता है, स्टेटस होल्डर का कैटेगरी में रखा जाता है. अब ये स्टेटस होल्डर कई टाइप के होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज, बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउस होते हैं. सो अगर आप स्टेटस होल्डर हैं तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे सकते हैं, आपको बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है. तो ये इनके लिए एक प्रिविलेज है. और सेकेंड कैटेगरी है या वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं एंड हु हैज रिसीव्ड अ ड्यू फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस अमाउंटिंग टू मिनिमम 10% ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर. यानी कि आपने पहले अगर एक्सपोर्ट किया था उसमें से मिनिमम अगर 10% आपको रिसीव हो गया, जो रेमिटेंसेज है, जो प्रोसीड्स है, वो आपको रिसीव हो गई है जो 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए. यानी कि मिनिमम 1 करोड़ तो आपके पास आना ही चाहिए या मिनिमम 10% ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो. यानी कि सपोज आपका टर्नओवर है 20 करोड़ रुपीज़, तो 20 करोड़ का 10% होता है 2 करोड़ और मिनिमम अमाउंट है 1 करोड़. यानी कि इन दोनों में से जो ज़्यादा हो, यानी कि आपके पास 2 करोड़ रुपीज़ तो आ ही जाना चाहिए, 1 करोड़ से रुपीज़ कम नहीं होना चाहिए जो 10% की अमाउंट है. सो आई थिंक ये क्लियर है. तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सिर्फ दो टाइप के लोग दे सकते हैं, जो स्टेटस होल्डर है यानी कि स्पेशल कैटेगरी के एक्सपोर्टर है, और दूसरे हो गए जो एक्सपोर्ट टर्नओवर का 10% प्रोसीड्स उनको रिसीव हो गया है जो कि 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात देखें तो शायद वो इस कैटेगरी में फॉल ना करें. तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं फिर आपको बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देंगे, उसका भी हम फॉर्मेट देखेंगे. और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने के बाद आपको IGST पे करने की जरूरत नहीं है और फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. कुछ और कंडीशन भी है, ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए, साथ ही में वो जो पर्सन है वो प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए किसी भी ऑफेंस के अंदर जो GST एक्ट है या एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, जहां पर टैक्स इवेजन की जो अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा हो. अगर 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा का टैक्स इवेजन पे आप प्रोसिक्यूटेड है, आप पे केस चल रहा है, तो फिर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं दे सकते. लेकिन अगर वो टैक्स इवेजन की अमाउंट 2.5 लाख रुपीज से कम है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है.
इट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द वर्किंग पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म है, मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, या प्रोप्राइटर अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वही लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि जब IGST पे नहीं करेंगे तो ये आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर अपना नेम, एड्रेस, जो भी डिटेल्स आपने मेंशन करनी है, साथ में विटनेस के भी साइन होंगे। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फर्निश करा जाएगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे फर्निश करा जाएगा तो हर स्टेट की अलग अलग स्टैम्प वैल्यू होती है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट की अलग होती है, क्योंकि जो स्टैम्प है वो एक स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट में देखते हैं तो 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टैम्प स्टेट लिस्ट में आता है, तो हर स्टेट अपने अपने तरीके से स्पेसिफाई करती है कि किस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या स्टैम्प वैल्यू होगी। और बॉन्ड का मतलब होता है कि आप एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी टाइम पे, जो भी पीरियड होगा, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट कर सकती है गवर्नमेंट। तो बॉन्ड आपने देना है, अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं दे सकते हैं तो उस कैटेगरी में अगर आप नहीं आते हैं तो इस तरीके से आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बॉन्ड फर्निश करेंगे। अब बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रनिंग बॉन्ड, एक होता है वन टाइम बॉन्ड। अब वन टाइम बॉन्ड होता है कि आपने एक बार बॉन्ड बनाया, उसमें आपने बैंक गारंटी दी, सिक्योरिटी रखी, और फिर जब वो जिस काम के लिए आपने बॉन्ड करा था जब वो पूरा हो गया, फिर उसके बाद आपने फिर नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा, नई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। बट रनिंग बॉन्ड में क्या होता है कि अगर आपने एक बार बॉन्ड एग्जीक्यूट किया और उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, वो बॉन्ड सक्सेसफुल हो गया, मतलब उसमें आपने जो भी कंडीशंस थी उतने टाइम के अंदर पीरियड में प्रोसीड्स आपको रिसीव हो गई और आपने IGST कलेक्ट करके पे कर दिया, तो उसके बाद आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसमें आप उसको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए भी, नेक्स्ट एक्सपोर्ट के लिए भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वंस आफ्टर फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द बॉन्ड, द एग्जीक्यूटर डज नॉट कैंसिल द बॉन्ड बट कैरीज ओवर टू द नेक्स्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द बॉन्ड। अमाउंट ऑफ बॉन्ड, द बॉन्ड वुड कवर द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्वड इन द एक्सपोर्ट बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, आपकी कितनी है, यानी जितने आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कितना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि IGST बनता है, तो वो उस अमाउंट का बॉन्ड बनाएंगे। द बॉन्ड एज एक्सपोर्टर शैल इंश्योर डैट आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑन एक्सपोर्ट इज विद इन द बॉन्ड अमाउंट, यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी बनती है टोटल वो बॉन्ड अमाउंट के अंदर हो, यानी कि बॉन्ड की अमाउंट लाइबिलिटी से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, लाइबिलिटी की अमाउंट है वो कम हो सकती है, बॉन्ड की अमाउंट ज्यादा हो सकती है, बट लाइबिलिटी की अमाउंट ज्यादा और बॉन्ड की अमाउंट कम ऐसा नहीं हो सकता। तो इन केस बॉन्ड अमाउंट इज इनसफिशिएंट टू कवर द टैक्स लाइबिलिटी इन येट टू बी कंप्लीटेड एक्सपोर्ट्स, द एक्सपोर्टर शैल फर्निश अ फ्रेश बॉन्ड टू कवर सच लाइबिलिटी। साथ में आपको बैंक गारंटी भी देनी है। फॉर्म RFD 11 जो GST के अंदर है अंडर रूल 96A रिक्वायर्स फर्निशिंग अ बैंक गारंटी विद बॉन्ड। फील्ड फॉर्मेशंस हैव रिक्वेस्टेड फॉर क्लैरिटी ऑन द अमाउंट ऑफ बैंक गारंटी एंड सिक्योरिटी फॉर द बॉन्ड। बॉन्ड के लिए जब सिक्योरिटी देंगे तो उसके लिए आपने एक बैंक गारंटी देनी होगी, और ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर डिसाइड कर सकता है कि बैंक गारंटी कितनी हो। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ का जो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर है, अगर वो चाहे तो फिर आपका बैंक गारंटी को माफ भी कर सकता है, या फिर डिसाइड कर सकता है कि कितना परसेंट हो। ये पूरी डिस्क्रिशनरी पावर ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर के पास है, बट किसी भी केस में बैंक गारंटी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती जो बॉन्ड अमाउंट है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर आपको मैक्सिमम 15% तक कह सकता है कि आप बैंक गारंटी रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया, उसमें IGST बनता है 18,000, सपोज आपकी 18,000 का बॉन्ड है, तो 18,000 का मैक्सिमम 15% बैंक गारंटी हो सकती है जो ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर आपको कह सकता है। बट अगर ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर चाहे तो 15% की बैंक गारंटी भी आपकी माफ़ हो सकती है, या कम हो सकती है, 10% हो सकती है, 5% हो सकती है, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एक्सपोर्ट का पहले भी। सो ये है बॉन्ड का फॉर्मेट, बॉन्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अगर आप इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं, LOU कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर आप बॉन्ड देंगे।
और ये जो बॉन्ड का फॉर्मेट है और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, ये जीएसटी फॉर्म आरएफडी 11 के नेक्शन में गिवन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पहले से एक्सपोर्टर हैं और जीएसटी के आने से पहले अगर आपने ऑलरेडी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड इशू किया था पहले वाले टैक्सेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 31 जुलाई तक वो वैलिड रहेगा। 31 जुलाई के बाद फिर आप जो करेंगे उसके लिए आपको एक नया बॉन्ड और नया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जीएसटी फॉर्म आरएफडी 11। सो अगर आपको ये फॉर्म आरएफडी 11 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो कंडीशन है और आपको जीएसटी फॉर्म आरएफडी 11 पीडीएफ फॉर्म में आप तक मेल पर पहुंच जाएगा। और फिलहाल ये फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, तो जब तक ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता है तब तक ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को आपने इसलिए मैनुअली फाइल करना है, यानी कि आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट लेके उसको फिल करना है और उसमें हार्ड कॉपी के साथ इसको सबमिट करना है। सो इसमें आप GSTIN नंबर मेंशन करेंगे, नेम और किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। अगर आप LOU के लिए एलिजिबल हैं तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अदरवाइज बॉन्ड अगर फाइल करते हैं तो क्या क्या बैंक गारंटी आप दे रहे हैं, और नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच, और फिर आप इसको फाइल कर देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये कि अभी जो अगर आप गुड्स में एक्सपोर्ट करते हैं तो जो उसमें गुड्स प्रोडक्ट सील होते हैं, बॉटल हो गए, कंटेनर्स हो गए, तो वो जो प्रोसीजर है वो उसी तरीके से होगा। और 1 सितंबर तक वो जो पहले वाला टैक्सेशन सिस्टम था उसमें जिस तरीके से उनको सील किया जाता था उसी तरीके से होगा। फिर 1 सितंबर के बाद इसमें नया चेंजेस जो जीएसटी के अंदर हैं वो आएंगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में चार्टर्ड विजडम को ज़रूर फॉलो करें। हर रोज़ आपको एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी और हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो इसी तरह देखते रहें और सीखते रहें।